बताना चाहेंगे कि मतलब इनके रिकॉर्डिंग के जितने भी गाने हम देखते हैं पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जो भी गाने ये लोग गाते हैं सारे गाने हिट होते हैं, तो क्या फील करते हैं कि जब इनके सारे गाने हिट होते हैं और हर किसी की जुबान पे होते हैं, और जब पहली बार जब वो गाना आता है तो हर किसी की जुबान पे होता है, क्या फील करते हैं आप? हाँ, पहले ये होता था कि जब पहला हिट गाना आया था तो अगर रेडियो पे हम सुनते थे तो एकदम मतलब ऐसा लगता था कि अरे हमारा गाना आया, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने गाने इतने सारे हिट दे दिए हैं कि अब जब कभी आता है और हम लोग 10 सेकंड अगर लग जाते हैं ये ध्यान देने में, तब वो आता है कि अच्छा मतलब अब तो इतनी आम बात हो गई है तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब ये इतने हिट गाने देने लग गए कि अब तो आम बात हो गई है। बट नहीं, आई फील रियली प्राउड, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब कभी मैं परफॉर्मेंसेस कर रही होती हूँ स्टेज पे वगैरह, तो जितना हो सके मैं इनके गानों पे करूँ ताकि आई फील कनेक्टेड विथ हिम एंड आई लव म्यूज़िक। और जब मैं इन्हें मिली एक्टर से तो इनका भी ये जो ट्रांजिशन है अच्छा है, म्यूजिक से एक्टिंग में नहीं गया, एक्टिंग से म्यूजिशियन बने, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। सो आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम कि मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है जो कि है म्यूजिक, और ये और मेरी फैमिली, वो हम सारे मिलकर इंजॉय करते हैं म्यूजिक एंड वी जस्ट लव इट। 90s के 80s के सारे गाने इसको, एक एक कौन सा एक्टर कौन से गाने में है, और जब भी कोई गाना बना के आता हूँ उसको घर पर सुनाता हूँ तो ये बहुत तेज़ है, फटाफट बोलती है अरे ये धुन उस गाने से मिल रही है, ये धुन उस गाने से मिल रही है, तो मैं बोलता हूँ बेबी साथ ही सुर है, कोई ना कोई धुन कहीं ना कहीं किसी गाने से तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा तो गाना ही नहीं बना पाऊंगा मैं, हर गाने के कोई पार्ट कहीं ना कहीं मिला देती है। मैंने कहा वो है तो, अब हिंदुस्तानी म्यूज़िक तो कहीं ना कहीं तो जाके सब चीज़ें कुछ ना कुछ एक सी लगेंगी, और बट अच्छा है कि म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत म्यूज़िक सुनती है और अच्छे अच्छे मुझे बहुत दुनिया भर के गाने सुनाती है, देखो वर्ल्ड में कैसा म्यूज़िक चल रहा है आपको भी ऐसा बनाना चाहिए, तो आई फील वेरी हैप्पी कि घर पे भी एक पार्टनर है जो हमेशा सोच रहा है हमारे बारे में। जी, ये गुड़िया से बात करेंगे, आपका पहले नाम बताइए। सुमायरा। ओके, तो आज के दिन कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मम्मा डैडी को, कुछ भी मॉम डैड को? आज देखिए व्रत रखा। हाँ बताइए बताइए, अपने पास के बारे में। यहाँ यहाँ उधर देखिए, कैमरा में देखिए। हाँ हाँ, जो आपको कहना है, आपने फास्ट रखा है ना आपने, अच्छा आप बताइए, आपने मेहंदी लगाई पापा के लिए, सब कुछ बताइए, आप बताइए ना आपने क्यों मेहंदी। फास्टेड फॉर पापा एंड पापा फास्टेड फॉर मम्मा 11th अक्टूबर। अच्छा, पापा ने क्या क्या बोला जब ये मेहंदी देखी आपकी, तो कुछ बोला पापा ने कि ये मेहंदी बहुत अच्छी है, किसने बनाई? पापा ने बोला, फिर मैंने बोला आई एम फास्टिंग, सो पापा सेड फॉर हू आर यू फास्टिंग, so I said I'm fasting for you and then papa like papa started crying बड़े emotional papa हैं इनके। चलिए आज आज के दिन तो ये है, और जैसे कि हमारी जो भारतीय कल्चर है, जैसे कि ये भी एक इंडियन कल्चर है जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चांद से या भगवान से ऐसा कुछ प्रे करेंगे कि हर जो सात जन्म होते हैं, जो ऐसा सातों जन्म ये आपको मिले? मैं बिल्कुल, आई एम वेरी लकी टू हैव वाइफ लाइक करिश्मा, और मैं बिल्कुल ये प्रे करता हूँ चांद से भी कि ज़िंदगी भर ऐसी जन्मों भर हमें ऐसे मिलाते रहें और ये प्यार हमारा बना रहे, और जो रोमांस वो रोमांटिक है हमारे चंदा मामा, ये रोमांस लेके आते हैं कपल्स की लाइफ में, तो आई थिंक बस ये हर साल ये ऐसे ही ये रीत चलती रहे, और हर साल चांद आज जैसे इस बार जल्दी आए, जल्दी आ जाए करें, तो ये जो थोड़ी सफरिंग है कम हो जाएगी। इट्स नॉट अ सफरिंग। हां, आई वांट टू टेल हिम हिंदी में, मुझे मम्मा पापा से बोलना है कि थैंक यू फॉर सच ए नाइस लाइफ। ओह, थैंक यू फॉर